लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ, सत्य मुझसे ज्यादा योग था, लेकिन उसका कारण तुम थे सर्वज्ञ। तुम हम सबसे छिपकर उसे विशेष शिक्षा देते थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि जो विद्याएं तुम सत्य को सिखा रहे हो वो मैं भी चुपचाप सीखता जा रहा था। हाँ दुष्ट, उस समय मैं तेरे छल को नहीं पकड़ पाया था। और इसी तरह एक दिन मैंने उस शक्ति पुंज को भी देखा जो तुम चुपचाप सत्य को दिखा रहे थे। ये शक्ति पुंज है वत्स, मेरे बाद इसके उत्तराधिकारी तुम बनोगे। परंतु इस शक्ति पुंज का उपयोग क्या है गुरुदेव? वत्स, कली से कलयुग शुरू हो रहा है और कलयुग अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। कलयुग के प्रभाव से क्या होगा गुरुदेव? उसके प्रभाव से जीव जंतुओं में पाप बढ़ेगा वत्स, और पाप बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आ जाएगा जब धरती इस पाप की बोझ को सह नहीं पाएगी, और तब प्रकृति महाप्रलय करके सृष्टि को नाश करने के लिए विवश हो जाएगी। तुम्हें इस प्रलय को रोकना होगा। परंतु मैं इस प्रलय को कैसे रोक सकता हूं गुरुदेव? पाप को बढ़ने से रोककर और प्रलय तभी रुक सकती है जब पृथ्वी पर पाप को बढ़ने ना दिया जाए। परंतु पाप को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है गुरुदेव? निश्चय ही पुण्य द्वारा वत्स, और कलयुग में पुण्य करने की शक्ति तुम्हें इस शक्ति पुंज से मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति पुंज कभी किसी दुष्ट के हाथ में लग गया तो इसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है, और तब वो दुष्ट इसके प्रभाव से बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और उसका प्रभाव सारे संसार में तेजी से बढ़ने लगेगा। इसलिए सावधान, इस शक्ति पुंज का रहस्य कभी किसी को मत बताना। वो आज्ञा गुरुदेव। परंतु अब ये रहस्य रहस्य नहीं रह गया है गुरुदेव। और फिर मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह से जाग उठा। उस शक्ति पुंज के सहारे मैं सारी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता था, और इसीलिए मैं उस शक्ति पुंज को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। मगर वज्रबाहु के रूप में मैं उस शक्ति पुंज तक नहीं पहुंच सकता था, और इसीलिए एक दिन मैंने तेरे शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया सर्वज्ञ। वज्रबाहु, मेरा अंतिम प्रणाम।
गुरुद्रोही, तूने अपने गुरु के साथ छल किया है। कलयुग की शुरुआत हो चुकी है गुरुदेव, कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। देख, तेरा सारा ज्ञान, तेरा शरीर, तेरा शक्तिपुंज, सब कुछ मेरा है सर्वज्ञ, सब कुछ मेरा है। दिनों दिन पाप को बढ़ाते रहने से देख तेरा रूप कितना भयानक हो गया है। हाँ निराधम, छल से मेरी शक्तियों को लेकर उनका दुरुपयोग कर रहा है तू, परंतु इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। मेरा ज्ञान, मेरा शक्तिपुंज, यहां तक कि मेरा ही शरीर तेरे पास है, और जिस दिन शक्तिमान तुझसे मेरी इन चीजों को छीन लेगा, उस दिन तेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नहीं सर्वज्ञ, नहीं, गिलविश को तेरी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम तेरे शरीर की तो कोई जरूरत नहीं है। ये दे। तेरे शरीर के बिना भी मेरा वजूद है सर्वज्ञ। अंधेरा किसी भी रूप में रह सकता है सर्वज्ञ, किसी के भी शरीर में घुस कर रह सकता है, बिना शरीर के भी रह सकता है, तू चाहे किसी रूप में रह ले तो, लेकिन तेरे पाप का पतन निश्चित है। भविष्य आए कमजोर किलविश को भूल गया क्या? भविष्य आया कमजोर किलविश, भविष्य में होने वाले तेरे पतन का सूचक नहीं है, तेरे पाप को दिनों दिन कम होना है, और ये होकर रहेगा। नहीं सर्वज्ञ, नहीं, भविष्य अब भी मेरे हाथ में है, मैं भविष्य को बदल दूंगा। वर्तमान में मैं इतना पाप फैलाऊंगा, इतना पाप फैलाऊंगा कि भविष्य में अपने आप पाप का बोलबाला हो जाएगा, और इसीलिए तेरे शरीर को छोड़ा है मैंने, ताकि दुनिया के जर्रे जर्रे में समा सकूं, इंसानों के शरीर में घुसकर उनसे पाप करवा सकूं। मैं अच्छे से अच्छे इंसानों के अंदर घुसकर उनमें काम बढ़ा दूंगा, वासना बढ़ा दूंगा, लालच बढ़ा दूंगा, मोह बढ़ा दूंगा, फिर अपने आप दुनिया में पाप बढ़ने लगेगा। पूरी दुनिया को भ्रष्टाचार और युद्ध की विभीषिका से बर्बाद कर दुनिया में इतना पाप बढ़ा दूंगा, इतना पाप बढ़ा दूंगा कि भविष्य में अगर कुछ रहेगा तो पाप रहेगा सर्वज्ञ, सिर्फ पाप रहेगा। मुर्ख, ये शक्तिमान के रहते कभी संभव नहीं है, ये मत भूल कि मेरे प्रिय शिष्य सत्य ने ही शक्तिमान के रूप में पुनर्जन्म लिया है। क्या? हाँ निराधम, 6,000 सालों के पश्चात इस पुनर्जन्म का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, तेरा सर्वनाश किलविश,
तेरा सर्वनाश। हाँ दुष्ट, इस जन्म में सत्य ही तेरा सर्वनाश, सर्वनाश। ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा सर्वज्ञ। सत्य कभी जीत नहीं सकता है किल्विश से। अगर उसने शक्तिमान के रूप में पुनर्जन्म लिया है तो फिर उसे अंधेरे के हाथों मरना होगा। तुझे किल्विश के हाथों मरना होगा शक्तिमान।